सौरभ, और FCI में बम्पर भर्ती आई हुई है और सैलरी भी बहुत हाई हुआ है, और इसके बारे में पूरा डिटेल्स हमको जानेंगे कि इसका सिलेबस क्या होने वाला है, पैटर्न क्या होगी, एग्ज़ाम डेट कब हो रही है, इसका पूरा पोस्ट डिटेल्स और कटअप कितने तक जाएगी उसके बारे में पूरे डिटेल्स हम जानते हैं। दोस्तों जो भी इस चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और घंटी वाले बटन को जरूर दबाएं ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि दोस्तों फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया FCI ने 6 सितंबर को एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें आपको 5043 पोस्ट का वैकेंसी जारी किया है और इसका ऑनलाइन 1 मंथ तक चलेगी। और चलिए इस पोस्ट के बारे में पूरा डिटेल्स भी जानते हैं। और सैलरी भी इसका हाई फाई है, 34,000 से लेके 1,03,400 तक है। और इसमें आपका टोटल ABCDEFGH और I ये कैटेगरी डिवाइड किया गया है और सब में अलग अलग है। इस PDF को मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा जहाँ से आप एक्सेस करके जा सकते हैं। ये फर्स्ट पेज में ही आपका और ये रिजर्वेशन है ST SC OBC जो भी है सबके लिए और टोटल इधर दिया हुआ है। आपका जोन वाइज किया हुआ है, नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट, टोटल 5 जोन में है और हर एक जोन में अलग अलग डिवाइड किया गया वैकेंसी का। तो आपका नॉर्थ जोन में 2,388 है यानी कि 2,388 है और साउथ जोन, ईस्ट जोन, वेस्ट जोन और नॉर्थ ईस्ट जोन, ये 5 डिवाइड किया गया है दोस्तों। चलिए आगे हम इसके बारे में जानते हैं कि इसका एग्ज़ाम पैटर्न किस तरह रहेगा। दोस्तों इसमें टोटल 3 एग्ज़ाम होगी। सबसे पहला आपका फेज वन होगा जिसमें आपका 25 इंग्लिश, 25 रीजनिंग, 25 न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और 25 GK GS यानी कि 25-25 करके सब है और मार्क्स भी पर क्वेश्चन 1 है और आपका टाइम जो है टोटल 60 मिनट दिया जाएगा और प्रति के लिए अभी जो भी हले हले दिया जाए जैसे इंग्लिश के लिए आपको 25 क्वेश्चन के लिए 15 मिनट सेपरेट दिया जाएगा और ये आपका इंग्लिश में होगा अगर जितना भी है 3 आपका लोकल लैंग्वेज और हिंदी इंग्लिश में रहेगी। आगे हम जानते हैं फेज टू का जो एग्ज़ाम होगी उसके बारे में। जैसे दोस्तों फेज टू में आपका जो है टोटल 25 इंग्लिश, 25 रीजनिंग, 25 न्यूमेरिकल एंड 45 आपका GK GS कंप्यूटर करंट अफेयर्स ये सब रहेंगे और इसका टोटल आपको 120 मार्क्स रहेगा और 120 क्वेश्चन रहेगा और टाइम मिलेगा आपको 90 मिनट दोस्तों। इसी में आपका फेज टू भी रहेगी जैसे JEE है, अकाउंटेंट है, इन लोगों के लिए स्पेशल कैटेगरी रहेगी जिसमें आपका हम यहाँ पे जान सकते हैं जैसे 60 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगी जिसको जो भी बंदे स्पेशल है अकाउंटेंट है तो उसके लिए है कि उसको अकाउंट का नॉलेज होना चाहिए, जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं उसको मैकेनिकल का या सिविल का अच्छा नॉलेज होना चाहिए, उसको जाँचने के लिए या फेज टू का भी एग्ज़ाम दिया गया है। तो फेज टू में आपका 60 क्वेश्चन रहेगा अकाउंटेंट के लिए जो है। जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं जूनियर इंजीनियरिंग का जिसमें आपका बिल्डिंग मटेरियल सर्वेलेंस ये सारा सिलेबस है जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो 60 मार्क्स के लिए और इसी मार्क्स के आधार पे वो 8 होगा आपका फाइनल सर्टिफिकेट या मेरिट लिस्ट के लिए। ये आपका फेज टू हो गया और फेज वन में हम ये सारा फेज टू का एक पार्ट है। जैसे सी में हम असिस्टेंट ग्रेड अकाउंटेंट के लिए इसका क्या है बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, टैक्सेशन है, ऑडिटिंग है, कमर्शियल लॉ है, बेसिक कंप्यूटर, ये सारा आपका अकाउंटेंट के लिए है। उसके बाद आपका पेपर 3 होगी। पेपर 3 में आपका जनरल इंग्लिश है 30 मार्क्स का, जनरल अवेयरनेस है, जनरल इंटेलिजेंस है और कंप्यूटर है आपका 30 मार्क्स का, टोटल 120 मार्क्स रहेगी और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स है और टोटल 90 मिनट दिया जाएगा। और दोस्तों मैं आपको बता दूँ इसमें जो है नेगेटिव मार्किंग है 1/4 यानी कि आप 4 क्वेश्चन रॉन्ग करते हैं तो आपको 1 नंबर कम कर दिया जाएगा। और दोस्तों इसमें जो है हर एक स्टेट के लिए सेंटर बनाया गया है, आप जिस स्टेट में रहते हैं आप वहाँ पर आस पास देख लीजिए कहाँ पर सेंटर दिया गया है। जैसे मैं आपको बता दूँ मैं बिहार से हूँ तो बिहार में आपका भागलपुर, गया, मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णिया और आर ये टोटल 6 डिस्ट्रिक्ट में
इसका एग्जाम का सेंटर बनाया गया है, आप इसी में से कहीं नियर बाय है तो आप अपना हिसाब से उसको चूज कर सकते हैं। तो दोस्तों हमने पैटर्न के बारे में और सिलेबस के बारे में जाना और हम जानते हैं इसके बारे में, आज ये स्टार्ट हो गया है और आपका यह 5 अक्टूबर तक चलेगी दोस्तों। और इसका पेमेंट जो है आपका जो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस 500 है, एसटीएससी के लिए कोई चार्ज नहीं है और फीमेल जो भी है उसको भी कोई चार्ज नहीं लिया दोस्तों, आप इसका पेमेंट ऑनलाइन कर सकते हैं। और इसका एग्ज़ाम डेट जनवरी 2023 तक होने की संभावना है और जैसा कि हम देख सकते हैं। और इसका एडमिट कार्ड आपको 10 दिन पहले, एग्ज़ाम का 10 दिन पहले आपको ईमेल या आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। और मैं इसका कुछ डिटेल्स बताता हूँ, इसमें आप मिनिमम एज 18 ईयर है और मैक्सिमम 28 ईयर है। और जो इसके अलावा है जूनियर इंजीनियर या AG3 की मेरी पोस्ट है उसके अलावा जो है उसके लिए 27 ईयर मैक्सिमम है। और इसमें एज रिलैक्सेशन है, यानी कि जो भी एसटीएस से कुछ टीचर कोटा आते हैं तो उसको कुछ एज में छूट मिलेगी। जैसे कि मैंने बताया टोटल एज तक कैटेगरी में बांटा गया है, इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग पोस्ट है। जैसे जीई के लिए आपका 28 है, इलेक्ट्रिशियन के लिए 15 है, उसके बाद स्टैंडर्ड ऑफर 73 है, असिस्टेंट ग्रेड 3, जनरल का 948 है, असिस्टेंट ग्रेड अकाउंटेंट 4006 है। या आपका नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट सारे का 8 किया हुआ दोस्तों, इस तरह से आपका टोटल 5043 है। तो मैंने इस वीडियो में आपको लगभग सारी जानकारी दे चुकी है। और पेज वन का यानी कि जो नॉर्मल टेस्ट है सभी के लिए 25 सिंगल 25 मैथ 25 ट्रेनिंग उसके लिए आप प्रिपेयर कीजिए। और इसका कट ऑफ जो आपका जाएगा 60 से लेके 85 तक हो सकती है दोस्तों इस बीच में। अब कट ऑफ के बारे में अगर आपको वीडियो चाहिए तो इस वीडियो में आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उसके लिए सेपरेट वीडियो और बना दूंगा कि कौन सा डिपार्टमेंट के लिए कितना कितना कट ऑफ होगा, जनरल या EBC या STSC के लिए। और वीडियो कैसा लगा जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताएँ, अगर अच्छा लगा लाइक करें और कुछ सजेशन नीचे कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।